हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित शर्मा, आपका फ्रेंड। मैं आज जो सोलंग वैली में आया हूँ, आज मैं आपको पूरी सोलंग वैली बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या एडवेंचर आप लोग कर सकते हो। मैं स्टार्ट करूँगा भगवान बिल्कुल धार्मिक स्थान से, और आप जैसे ही सोलंग वैली में एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको एक नाग मंदिर मिलेगा। उसको स्टार्टिंग में आओगे तो आपको नाग मंदिर मिलेगा, वो थोड़ा सोलंग वैली से पीछे है, कोई 1 किलोमीटर पीछे है। बट जैसे ही आप सोलंग वैली एंटर करोगे ना, तो वहाँ आपको देवता कंचन नाग मंदिर है। अब मैं आप थोड़ा सा जूम करूँगा इसको, तो आप देख सकते हो ये है। अभी बिल्कुल बर्फ़ के अंदर बिल्कुल दब चुके हैं इसकी साइड्स वगैरह, बस वो रूफ थोड़ा सा खाली है। तो ये काफ़ी पवित्र मंदिर है, आप आके यहाँ पे मन्नत मांग सकते हो, अच्छा होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे स्कीज़, ये देखो यहाँ पे स्कीज़ वगैरह पड़ी हैं, लोग यहाँ पे स्की कर सकते हैं आराम से। फिर पैराग्लाइडिंग, यहाँ का तो मेन एडवेंचर जो स्पोर्ट है वो पैराग्लाइडिंग है मेन। एक और है, देखिए वो बॉल जो समर्स में भी होते हैं और विंटर्स में भी होते हैं, और है वो, और आप देख सकते हो ऊपर टॉप में बिल्कुल अभी पैराग्लाइडर देखो अभी जा रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पे काफ़ी एडवेंचर है, और भी काफ़ी एडवेंचर है। मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ आपको मिलाऊंगा, मेरे सीनियर हैं, इनका नाम है पुनिठा सर। हाय से हाय टू देम सर। तो सर, आप देख सकते हैं सामने एक बॉल है, बॉल के अंदर दो आदमी बैठ गए हैं। अच्छा, लुढ़कते हुए आएंगे। हाँ, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। एक्चुअली आई डोंट द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, और मेरे को उसका पता नहीं है, बट क्या है अपनी क्षमता के अनुसार। यस, कोई टायर में, कोई ट्यूब में, तो कोई बॉल में, और कोई फ्लाइंग इन द स्काई। अभी कोई आसमान को छूना चाह रहा है, बिल्कुल देखो बिल्कुल टॉप से आ रहा है। अच्छा, मैं आपको इनके रेट्स भी बता सकता हूँ। देखो जैसे आप सपोज कि यहाँ पे यहाँ पे रोपवे भी है, रोपवे है, हाँ ये रोपवे है। तो रोपवे का यहाँ पे चार्जेस जो है काफ़ी इन्होंने बढ़ा के दिए हुए हैं, और अराउंड 650 पर पर्सन है। तो अगर आपने रोपवे में जाना तो आप आराम से जो ऊपर तक जा सकते हो उसमें, ठीक है, तो जाके जो है फिर वहाँ जा आ सकते हो, ग्लाइड करते हुए आइए, ग्लाइड करते हुए आ सकते हैं। तो अभी देखो ये एक पैराग्लाइडर है, करके भी आ सकते हैं। लकड़ी का बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट, तो ट्यूब है, देख सकते हो आप, ये देखो ये बिल्कुल देसी टाइप का है स्कीइंग बिल्कुल। इस पर भी जो है पहले जब ये स्कीइंग नहीं आया था यहाँ पे, तो लोग इस पर करते थे, जब तक स्कूटर नहीं आए थे। हाँ, तब भी इसमें बैठते थे, रोहतांग में भी इसमें बैठते थे, आज से 18-19 साल पहले। यस यस, तो काफ़ी एडवेंचर है यहाँ पे, आप कर सकते हो आराम से यहाँ पे आके कुछ भी। हाँ, तो मोहित मैं बताऊँगा कि मैं आज से पहले 18-19 साल पहले भी इधर था। हाँ, यस यस, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि आप तो यहीं पर पहुँचते थे उस टाइम मनाली में। यस, ठीक है, ओके। तो सर ये कुछ नहीं था तब, देखो बच्चे भी हैं, बच्चा लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ बच्चा, से हाय, हाउ आर यू, नाम क्या आपका, कितने रुपए लेते हो बच्चे इसका? किसका? इसका 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 कितने पैसे लोगे? 20 रुपए। इसका 20 रुपए? इसका नहीं, इसका 20 रुपए लोगे। हाँ। और इसका ट्यूब का? अच्छा अच्छा, अच्छा इसका 20 रुपए, चलो गुड। कहाँ से कहाँ तक होंगे इसमें? एक बार क्या भाई, अब नहीं करना यार, एक बार कहे 20 रुपया, एक बार आप जाओ ऊपर से नीचे जहाँ से जाना चाहो उसमें है, वहाँ चलते हैं। मैं थोड़ा पॉज करूँ, ये भी है एक, देखो ये देखो ये भी एक देसी टाइप का है, मेरे ख्याल इसका रेट 50। इसका क्या प्राइस है? 200 ऊपर से नीचे तक, ऊपर से कि यहाँ से? ऊपर से, ठीक है ठीक है, थैंक यू। अभी यहाँ पे स्नो स्कूटर्स भी हैं यहाँ पे, जो काफ़ी एडवेंचरस है, बट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आप ले सकते हो उसमें। और मेन यहाँ पे जो है ये रोप वे है, देख सकते हो आप यहाँ पे रोप वे। देखिए यहाँ पे एक कुत्ता भी है जो सोलंग वैली में ठंड के मज़े ले रहा है। बॉल को देखना, बॉल्स भी हैं, हाँ काफ़ी सारा है। यही देखिए यहाँ पे टायर्स का इन्होंने देसी जुगाड़ बनाए हुए हैं, जो ऊपर से वहाँ से टॉप से स्लाइड करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करूँगा, यहाँ ये टॉप से जो स्लाइड करते हैं, और इसके अंदर 2 बंदे फिट होते हैं, तो वहाँ से जो सीधा यहाँ तक स्लाइड करते हैं लोग। सर आप कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं, आप अपने कैमरा मैन को तो जरा ट्यूब की तरफ दिखाएं। हाँ प्लीज़।
ये देखिए वो देखो अभी ट्यूब जो है ऊपर खींच रहे हैं। देखो ये ट्यूब जब ऊपर जाएगी तो फिर वहाँ से जो है इसके अंदर दो बंदे फिर टूट के नीचे स्लाइड करेंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसके 100 रुपये चार्जेस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखो इन्होंने 50 रुपीज़ पर हेड जो चार्जेस हैं इनके। ये मैं घूम गया स्नो पॉइंट सोलंग, इन्होंने खुद ये बनाया हुआ है, इन्होंने एक बनाया खुद। इस पर आप बैठ के आराम से फोटोग्राफ खिंचवा सकते हो। तो स्नोफॉल यहाँ के लिए वरदान है, मोहित क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल एग्री हूँ आपसे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के लोगों के लिए तो बिल्कुल वरदान है। इन लोगों को देखो आप, भगवान की तरफ से इनकी अगर जॉब अगर नहीं लगते तो तब भी ये लोग एडवेंचर के लिए, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म इतना है। इनका ये मानना है कि जब बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, जब से J&K में मिलिटेंसी बढ़ी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जब से J&K में मिलिटेंसी बढ़ी है तो काफ़ी टूरिज्म डाइवर्ट हो चुका है यहाँ पे, पूरा हो चुका है, पूरा मैक्सिमम 90% जो है बिल्कुल हो चुका है। तो इसलिए जो है मैं वही बोल रहा था कि यहाँ के लोगों के पास तो अभी स्नो स्कूटर्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि देखो आप कुछ भी देसी जुगाड़ बना के कुछ भी यहाँ पे आराम से अपना जो मोमो मैगी कुछ भी एक दुकान खोल के बैठ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए जब बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो इनका ये मानना है कि इनके सेव भी ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, इनको पानी मिलता है बराबर, सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। वो देखो स्लाइड करके एक आते हैं। हाँ ये देखो देखो वाह, बच्चे से टकराते बच गिर गया, रस्सी नहीं रखी इसने। यस यस, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है वैसे यहाँ का। लगने वाली थी, मैं रिकमेंड हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सभी अपनी फैमिली के साथ आइए यहाँ पे और इन्जॉय कर सकते हो आप। बूढ़ी माताएं बैठी हुई हाँ कहाँ पे सामने देखे? अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। हाँ, ये यहाँ पे देखो अभी जो ट्रेडिशनल जो इनका ड्रेस है हिमाचली, ये यहाँ पे जो है इनको पहनाते हैं। आप चाहे इनसे कैब ले सकते हो, चाहे कुछ भी, मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ से इनके चार्जेस हैं एक ड्रेस पहनाने के। सर हाँ हाँ काफ़ी हैं, काफ़ी एडवेंचर सामने आप पीछे कर सकते हैं, देखिए फोटो ये दिखा रहे हैं किस टाइप। हाँ हाँ यहाँ भी अच्छा है, सही बात है। और अंजनी महादेव तो मेरे ख्याल से हाँ ये ब्लॉक होगा रास्ता। अंजनी महादेव, आंटी अंजनी महादेव कहाँ पे? ये ऊपर लेकिन रास्ता ब्लॉक होगा। अच्छा वहाँ से अभी रास्ता ब्लॉक है? अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ से रास्ता है। ओके ओके, यहाँ से कितना दूर आंटी? यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, मैं गया हूँ। आप गए हो यहाँ पे? अच्छा कब गए आप? इसी साल भी गया था। ओके ओके ओके, अभी बर्फ नहीं है ना? बर्फ है। अभी अभी कितना फीट यहाँ पे शिवलिंग बना होगा? 7-8 फीट है। अच्छा 7-8 से भी ज्यादा ज्यादा होगा, 50-60 फीट होगा सर, वो 50-60 फीट होगा मेरे ख्याल से। जितनी पहाड़ की ऊंचाई है उतना। अच्छा अच्छा और ये वाला जो मंदिर है यहाँ पे, इनका नाम क्या मंदिर का? नाग मंदिर। अच्छा नाग मंदिर, एक नीचे भी नाग मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी महादेव मंदिर। अच्छा आंटी मुझे ये बताओ कि इस साल जो है स्नो कितनी देर के बाद यहाँ पे हुई है बर्फ? नहीं नहीं बर्फ इस बार तो मतलब मेरे ख्याल 10-15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने सुना हुआ यहाँ पे, है ना? हाँ काफी रिकॉर्ड इस टाइम और तोड़ गया ना। और इस बार तो सेब का सीजन भी अच्छा होगा। और इसका कितना लेते हैं अभी पहनवाने का? मैं दिखाऊंगा आपको कितना लेते हैं इसका, देख सकते हो आप इसमें। ये काफ़ी ट्रेडिशनल ड्रेस है। चलो हाँ अभी आंटी मैं अपनी वाइफ लेके आऊँगा तो मैं पक्का अभी के पास आऊँगा। देखो कितना अच्छा। अच्छा अच्छा जो सामने वाला गांव है जहाँ पे ब्लॉन्च आया था, हम भी वहीं रहते हैं, हम बीआरओ में हैं, हम भी वहीं रहते हैं। हाँ हम जो टनल बना रहे हैं वहाँ पे ना। हाँ काफी बर्फ है देख सकते हो आप। जिस दिन वो आपका उस वो ग्लेशियर आया उस दिन बात करें, वहाँ एवलॉन्च जो आया था एवलॉन्च वाले दिन हम लोग वहीं पे थे। देखो नीचे से उतना मुड़ गया, स्कूल बचा दिया हम देख रहे हैं। उसी दिन हमारा ऊपर आया हमारे पीछे दिन भर बैठ रहना। आंटी ये जो खरगोश होते हैं खरगोश, ये कहाँ से लाते हैं इतने बड़े बड़े कंजो? ये मेरे ख्याल से वो होंगे ना अपना स्नो रैबिट्स होंगे, बर्फीले है ना, बर्फीले खरगोश। कितने चार्जेस हैं उसके? 20 रुपये। अच्छा 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 हाँ जी सर बोलिए। हाँ देखो ऐसा माहौल
यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी सारी मोटर बाइक्स हैं, और देखो याक। सर प्लीज़ थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हैं, चलो याक का फ्रंट से फ़ोटो लेते हैं। याक सर इनको क्या बोलते हैं? इनको याक तो बोलते हैं, बट मक्खी 12 महीने मिलते हैं यहाँ पर। कैसे दे रहे हो भैया? क्या रेट है? 30 रुपये। ओ बिहार वालों को ठीक है, बाद में आएंगे आते वक्त। बेकार हुआ ना ये सब। चलो कोई नहीं, देख सकते हो यहाँ पे मैगी यहाँ की फेमस है। बिल्कुल मैगी पॉइंट है। और छोले कुलचे। कौन से? छोले कुलचे। अरे छोले कुलचे, कुलचे छोले तो हमारे मैक्सिमम जम्मू में मिलते हैं। वैसे जम्मू पंजाब के जो लोग हैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं कुलचे खाने के लिए। आए हुए लोगों में कौन है? मराठी। और अभी यहाँ पे सोलंग वैली रोड पे ये वे है, आप देखो कैसी मोटर बाइक्स आ रही हैं यहाँ पे, और इतनी मोटर बाइक्स हैं कि क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे हर घर में एक मोटर बाइक रखी है इन्होंने। अच्छा, और एक बात और है, स्नो बाइक, हर गाड़ी दुकान है, हर गाड़ी के पास अपनी अपनी दुकान है, और हर गाड़ी के पीछे जो है ना इनकी पूरी एक्स बोल सकते हो। अब हर चीज़ आपको मिलेगा, ब्रेड और आमलेट। हाँ सर, आप क्या इसकी व्यवस्था थी? देखो ऑल्टो 800 में भी ये लोग ये व्यापार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बड़ी गाड़ियाँ भी पीछे की सीट निकाल के कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे रोजगार, आप आइए, धंधे की कोई कमी नहीं। आइए यार, अंडे की कोई कमी नहीं है? धंधे की कोई कमी? हाँ, धंधे की कोई कमी। सॉरी, काफ़ी अच्छा वैसे व्यू है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे आप लोग पक्का आइए एक बार, घूमिए। चाहो तो दुकान खोल लीजिए। क्या चाहो तो दुकान खोल लीजिए। सही है। देखो यहाँ पे कितने फीट बर्फ होगी। देखिए यहाँ पे एक्चुअली वो बना हुआ है पब्लिक टॉयलेट है। देखो इसके ऊपर कितना फीट से ऊपर है। देखो 5 फीट से ऊपर बर्फ है। देखो काफ़ी ठंड है यहाँ पे। अभी एक पहाड़ के पत्थर शायद ये भी है। देखो अभी आ रहा है बिल्कुल स्पीड में। ओ वाह, ये घुड़सवार एक आदमी 4 घोड़ों को लेके जा रहा है। ये भी दुकान है, देखिए कपड़े ले सकते हैं आप। हाँ कपड़े ले सकते हो यहाँ पे देखो। और काफ़ी अच्छा है। मतलब देखो यहाँ पे शूज़, आपको शूज़ भी मिलेंगे अगर आप स्नो शूज़ जो नहीं पहने अगर आपने, तो यहाँ पे आप जो है ये शूज़ पहन के आप लोग अपने पाँव को बचा सकते हो। हाँ यही शूज़ पहने हैं, रबर के हैं। एंटी सर, आप बता पाओगे आप सर इनका क्या स्पेशलिटी है? ये एंटी स्किड है। अच्छा, और ये रबर के हैं आपके। अच्छा, जूता आपके पाँव को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, जूता भी करके पाँव बड़ा ठंडे हो जाएंगे। ओके ओके, ठंडे हो जाएंगे तो पाँव फट जाएंगे। अच्छा, इवन फोन भी आ जाता है उसी दिन। देखो यहाँ पे मोमोज वाली, आपको मोमोज खाने का मन है तो आप मोमोज भी खा सकते हो यहाँ पे। चाउमीन मोमो हर चीज़ मिल जाएगा वैसे यहाँ पे। हम ये हमारे भारत के कोने कोने से गाड़ियाँ आई हुई देखो डेली, और मैक्सिमम मेरे ख्याल टूरिस्ट यहाँ पे नॉर्थ इंडियन आता है क्योंकि पास पड़ता है। और आज साउथ का भी आता है। हाँ आता है, वो टूर पैकेज लेके आते हैं। हाँ हाँ, इसे उनकी गाड़ियाँ मिलेंगी आपको। बिल्कुल, गाड़ी में भी आते हैं कई लोग। हाँ, और आपको यहाँ पहने चाहिए क्या वो चाहिए आपको? हाँ हाँ, आप सर प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जी जी, आपको चाहिए हाइकिंग और ट्रैकिंग शूज चाहिए। ओके, ग्लव्स चाहिए, वन पेयर ऑफ ग्लव्स। ओके, देन बिल्कुल हो सके तो कैप बाल कलावा चाहिए। बाल कलावा क्या होता है आप थोड़ा बताएंगे प्लीज़? हाँ जी हाँ जी, जैसे मंकी कैप। मंकी? अच्छा अच्छा अच्छा, मंकी कैप को बाल कलावा बोलते हैं। हाँ जी, बाल कलावा बोलते हैं। अच्छा, और उसके अलावा आपको लता ने बता दिए। और क्या क्या चाहिए? गॉगल्स चाहिए। निक्स? हाँ, सनग्लासेस क्यों चाहिए वो भी पहले बता दीजिए प्लीज़ यहाँ पर। यस यस, क्लियर होता है ना जब लाइट चमकेगी आपके आँखों में, जो क्लियर आएगी। हाँ हाँ, डैमेज आपके ओके पुतली को ख़राब कर सकती है। यस यस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, नहीं नहीं और होता खराब होता है, और होता क्या ना यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जब सनलाइट जो गिरती है वहाँ पे स्नो पे, बिल्कुल जो फ्रेशली लेट से स्नो होती है उस पर क्या होता है कि बिल्कुल उस पर ना रिफ्लेक्शन पड़ती है उसकी, सनलाइट की। जब रिफ्लेक्शन पड़ती है तो उससे काफ़ी जो आपका रेटिना है वो डैमेज होने के चांसेस है। 90% और हम लोग हाईली रिकमेंड करेंगे आप जब भी यहाँ आइए पक्का आप एडवांस में एक पेयर। अच्छा हाँ, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। मैं यही बोलूँगी आप जो अपना
5000 का लो, 6000 का लो, आप 2000 का भी ले लीजिए। फास्ट ट्रैक के आजकल मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे अच्छे आए हैं, अंदर अंदर अच्छे मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे। यस यस, तो सर देखिए कितनी यहाँ पे स्नो है। और देखो ये समर्स के टाइम में ये यहाँ पे स्नो बिल्कुल नहीं होती है, घास मिलेगी ये देखो। और ट्रीज जो है ना काफ़ी अच्छे यहाँ पे व्यू दिखाते हैं। देखो अभी ये बच्चे भी आ रहे हैं, से हाय बच्चों, हाय बच्चों, एंजॉय करते हैं। देखो एक पाजी भी उधर अपनी वीडियो बनाते हुए बना रहे हैं वीडियो।